जो भी शख्स या ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जिनके सर में दर्द होता है और कभी चक्कर भी आते हैं, तो उसका सीधा मतलब होता है कि उनको सर्वाइकल है। और सर्वाइकल एक ऐसा मर्ज है जो हमारी ये गर्दन के इस हिस्से में थोड़ी सी डिस अपनी जगह से उभर जाती है, सरक जाती है, जुम्बिश करती है, एक ही मतलब है। और वो कुछ नर्व हैं जिनको दबाती है, एक को दबाएगी तो वो आपको चक्कर आएंगे और दूसरे को दबाती है तो सर में जोर का दर्द होता है, इसको सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल का आधा इलाज फिजियोथेरेपी में है और आधा इलाज दवाओं में है। एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, उससे 1-2 मिनट की एक्सरसाइज आप कराएंगे और वो आप खुद सीख लेंगे, रोज़ाना करेंगे, हो सकता है दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़े, और वो एक्सरसाइज आप करते रहिए। और दवा बतौर अगर चाहिए तो कैप्सूल एस्केयर ले सकते हैं, 3 वक्त खाने के बाद तकरीबन 1 महीना। सर में दर्द या चक्कर आना, इसको सर्वाइकल कहते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलें, और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, वो रोज़ाना किया करें, घड़ी देखकर कम से कम 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम। देखिए वो एक्सरसाइज ऐसी है कि आप वो ऐसे सीधे बैठें और ऐसे और ऐसे यहाँ पर देखना है हमें, और यहाँ देखने में यहाँ तकलीफ होती है, एक तो ये करें और एक ये, ऐसे आपको रोज़ाना घड़ी देख के 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम करना है, तो बगैर बगैर किसी दवा के भी ये ठीक हो सकता है। और दवा बतौर आपके नी पेन और इसके लिए गर्दन के दर्द के लिए कैप्सूल एस्केयर 3 वक्त खाने के बाद 1-2 महीना लीजिए, लेकिन सर्वाइकल में आधा काम आपको एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी से करना होगा और वो खुद सीखनी होगी। रोज़ाना 1 मिनट सुबह शाम 1-1 मिनट, तो आप हमेशा ठीक रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हकीम सुलेमान खान की और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को